हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कक्षा 11 अध्याय 1 जीव जगत से भाग 3 आगे शुरू करते हैं और इस भाग 3 में हम वर्ग की सहायता साधनों की बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं, एड्स हैं, जो टैक्सोनॉमी की वर्गीकी की स्टडी में हमारी मदद करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं पार्ट 3। वर्ग की सहायता साधनों से हमारा मतलब है ऐसे साधन जो हमारी वर्गीकी के अध्ययन में मदद करते हैं। जीवों की पहचान के लिए गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। यानी हम पौधों की, जंतुओं की अगर स्टडी करना चाहते हैं, गहन स्टडी करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक सुसंसाधित प्रयोगशाला लेबोरेटरी होनी चाहिए और साथ ही जीवों के बाहर किस प्रकार का पर्यावरण है, वातावरण है, उसका अध्ययन भी यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने आवश्यक होते हैं। हमें पौधों के भी नमूने एकत्र करने पड़ेंगे और प्राणियों के भी वास्तविक नमूने एकत्र करने होंगे। ये वर्गीकी अध्ययन के मुख्य स्रोत हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। इन नमूनों का एकत्रीकरण जो है हमें वर्गीकरण विज्ञान का प्रशिक्षण देगा। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। जो भी सूचनाएँ एकत्र की जाती हैं उन्हें नमूने सहित संचित कर लेते हैं। जो भी सूचनाएँ हमें मिलेगी उन्हें उस नमूने के साथ हम इकट्ठा कर लेंगे। कुछ मामलों में नमूने को भविष्य में अध्ययन के लिए परीक्षित कर लेते हैं। उस नमूने को, उस स्पेसिमेन को हम इन फ्यूचर स्टडी के लिए भी कभी कभी संरक्षित कर लेंगे। जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उन्हें परीक्षित करने की कुछ विधियाँ तथा तकनीकी विकसित की है। उनमें से कुछ का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आइए हम ये तकनीकें देखते हैं कि ये सहायता साधन कौन कौन से हैं। सबसे पहला सहायता साधन हम देखते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या हो जाएगा? वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूने को कागज़ की शीट पर सुखाकर दबाकर परीक्षित करते हैं। जो बॉटनिकल म्यूजियम होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पर हम पौधे के जो एकत्र नमूने हैं उसको एक कागज़ की शीट पर सुखा देते हैं और उन्हें प्रेस कर देते हैं, दबाकर उनको संरक्षित करते हैं या परीक्षित करते हैं। इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं और फिर इन शीटों को, जिस पर हमने पौधों को चिपकाया है, एक मान्य वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर, एक मान्य क्लासिफिकेशन प्रोसेस के आधार पर इन्हें व्यवस्थित कर देते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। आप याद रखेंगे, हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल चिपका हुआ होता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, तो उस पौधे को कौन सी तिथि के समय एकत्र किया गया था, स्थान, पौधे का इंग्लिश नेम, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि चीज़ें लिखा हुआ रहता है। तो आप लेबल की जानकारी यहाँ पर रखेंगे कि हर्बेरियम की जो शीट है उस पर जो लेबल चिपका होता है उस पर कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती है। हर्बेरियम वर्ग के अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। तो याद रखेंगे, वर्ग के अध्ययन के लिए जो तत्काल संदर्भ तंत्र है, इमिडिएटली अगर आपको कोई रेफरेंस लेना है तो जो हर्बेरियम है वो एक सिस्टम यहाँ पर उपलब्ध कराएगा, अवेलेबल करवाएगा। यानी हर्बेरियम से हमारा मतलब हो गया कि पौधों को सुखा कर, शीट के ऊपर सुखा कर और प्रेस करके जो शीट यहाँ पर पौधों की तैयार की गई है उसे हम हर्बेरियम शीट कहेंगे और फिर उसे वर्गीकरण प्रोसेस के आधार पर जमा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको चित्र 1.2 में वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्रित नमूने दिखाए हुए हैं। अलमारियों में आपकी हर्बेरियम शीट्स पड़ी हुई है और इन अलमारियों में इन हर्बेरियम शीट्स को एक मान्य वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर ही जमाया गया है। दूसरा सहायता साधन हम देखते हैं वनस्पति उद्यान या बॉटनिकल गार्डन। इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण होता है। तो आप याद रखेंगे, वनस्पति उद्यान या बॉटनिकल गार्डन में हम जीवित पौधों का संग्रहण करते हैं। इन उद्यानों में पौधों की स्पीसीज को पहचान के लिए उगाया जाता है। बॉटनिकल गार्डन्स में जो भी पौधा लगाया जाएगा वो आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ से लगाया जाएगा, पहचान के उद्देश्य से लगाया जाएगा कि हम उस पौधे के स्पीसीज को पहचान सकें। और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति वैज्ञानिक नाम होता है और उसका कुल का नाम लिखा हुआ होता है। प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा जो कि भारत में है, मैं तथा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत में है। तो ये सब आप याद रखेंगे कि बॉटनिकल गार्डन कहाँ कहाँ पर है। जो हमारी इस बुक में उदाहरण दिए गए हैं उनको आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड आप याद रखेंगे लंदन में, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा
और इसी तरह नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ या भारत में है। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, संग्रहालय या म्यूजियम की हम बात करते हैं। वानस्पतिक संग्रहालय प्राय शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। जो बॉटनिकल म्यूजियम्स है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्कूल्स में कॉलेजों में पाए जाएंगे। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। संग्रहालय में हम परिरक्षित किए हुए कंजर्व किए हुए प्लांट्स और एनिमल्स के नमूने रखते हैं। नमूने परिरक्षित गोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। तो जो नमूने हैं उन्हें हम फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में डालकर रख देते हैं और भी परिरक्षित गोल है उनके अंदर डालकर रख देते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूने को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र मारने के बाद कीटों को डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। कीटों को एकत्र करने के लिए हम कीट बॉक्स का प्रयोग करते हैं जहाँ पर पिन के द्वारा कीटों को डिब्बों में रखा जाता है। बड़े प्राणी जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्राय भरकर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्राय प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। जो बड़े प्राणी जैसे पक्षी स्तनधारी है तो इनके अंदर हम कोई चीज़ हल्की चीज़ भर देते हैं और हल्की चीज़ भर कर फिर उनको संरक्षित करेंगे। संग्रहालय में प्राय प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। संग्रहालय में स्केलेटन भी आपको दिखाई दे सकता है। प्राणी उपवन तथा चिड़ियाघर जूलॉजिकल पार्क की हम बात करते हैं। इन उपवनों में अधिकांशतः वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। जो चिड़ियाघर आप बहुत सारे बच्चे चिड़ियाघर में घूमने भी गए होंगे तो वन्य आवासीय जीवित प्राणी चिड़ियाघर में पाए जाएंगे जिन्हें हम जूलॉजिकल पार्क्स के नाम से भी जानते हैं। इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार प्रकृति और व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जहाँ तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। आप याद रखेंगे चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। इन उद्यानों को प्राय चिड़ियाघर कहते हैं। इसे देखने के लिए बहुत लोग वो बच्चे आते हैं। तो आपको भारत के विभिन्न चिड़ियाघरों में वन्य प्राणी को यहाँ पर दिखाया हुआ है। आपको दरियाई घोड़ा नज़र आ रहा है, राइनोसोरस, आपको डक नज़र आ रही है, एलिफेंट नज़र आ रहा है और टाइगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये चिड़ियाघर में पाए जाने वाले वन्य प्राणियों के उदाहरण हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आप अच्छे से इन्हें याद करेंगे। आगे हम कुंजी तथा चाबी की बात करते हैं। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं और असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। तो यह कुंजी जो है या चाबी जो है वो समानताओं और असमानताओं पर बेस्ड है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं जो प्राय जोड़ों में युग्मों में मिलते हैं जिन्हें युग्मित कहते हैं के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणामस्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। तो याद रखेंगे कुंजी जो है दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाएगी जिसमें से एक मान्य होगा और दूसरा अमान्य होगा। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग के संवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है। तो आप कुंजी और चाबी साधन को भी अच्छे से याद करेंगे स्टूडेंट्स। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका जिसे हम मैनुअल्स कहेंगे, मोनोग्राफ पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो तथा सूचीपत्र कैटलॉग अन्य माध्यम है। तो ये मैनुअल क्या होते हैं, मोनोग्राफ क्या है, कैटलॉग क्या है, इनके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त करेंगे। मैनुअल को हम नियम पुस्तिका कहेंगे। मोनोग्राफ से मतलब हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर विषय पर बहुत बड़ी जानकारी हमें मिल जाएगी। और सूचीपत्र का मतलब है कैटलॉग। कैटलॉग आप सभी जानते ही हैं, हम कहीं होटल वगैरह में खाना खाने जाते हैं तो जो वेटर है सबसे पहले हमें उस होटल का कैटलॉग ही दिखाता है, सूचीपत्र दिखाता है कि यहाँ पर हमें कौन कौन सी खाद्य सामग्री मिलेगी। इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता करते हैं। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वास स्थानों के विषय में जानकारी होती है। तो याद रखेंगे आप फ्लोरा ऐसी पुस्तक है जो कि किसी पर्टिकुलर स्थान पर पाए जाने वाले पौधों की जानकारी देगी। ये उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाली पौधों की स्पीसीज की विषय सूची देती है। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाए जाने वाले स्पीसीज को पहचानने में सहायता मिलेगी। मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सोन की पूरी जानकारी होगी। तो आप याद रखेंगे। और साथ ही फोना पुस्तक के अंदर एक पर्टिकुलर प्लेस पर या स्थान पर पाए जाने वाले जंतुओं के बारे में जानकारी हमें मिलेगी। फ्लोरा और फोना आप याद रखेंगे। फ्लोरा पादपों से संबंध रखेगा और फोना प्राणियों से या जंतुओं से संबंध रखेगा।
तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाता है। आगे हम सारांश की बात करते हैं, इस चैप्टर का सारांश क्या हो जाएगा, सारांश भी हम देख लेते हैं। जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधताएं दिखाई पड़ती है, हम देख चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है, परंतु अब भी इनकी बहुत बड़ी संख्या अज्ञात है। हमने देखा है 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन जातियाँ खोजी जा चुकी है, लेकिन अभी बहुत सारी प्रजातियाँ खोजी जानी बाकी है। जीवों के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवाज, शरीर क्रियात्मक तथा आकारीय लक्षणों के कारण हमें जीवों की व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। यानी जीवों का जो संसार है वो बहुत बड़ा है। जीवों की विविधता तथा इनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव विज्ञानियों ने कुछ नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ये नियम हम पढ़ चुके हैं, जिससे जीवों की पहचान, उनका नाम पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सके। ज्ञान की शाखा को हम वर्गीकी नाम देंगे। तो वर्गीकी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि जीवों की विविधता तथा इनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव विज्ञानियों ने कुछ नियमों और सिद्धांतों को प्रतिपादन किया, जिससे जीवों की पहचान, उनका नाम और वर्गीकरण किया जा सके। इस शाखा को हम वर्गीकी के नाम से जानेंगे। पादप तथा प्राणियों की विभिन्न स्पीसीज का वर्गीकी अध्ययन कृषि वानिकी और हमारे जैव संसाधन में भिन्नता के सामान्य ज्ञान में लाभदायक सिद्ध हुए हैं। वर्गीकी के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान, उनका नामकरण, उनका वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। हमने ICBN की भी बात की, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN की भी बात की, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति, जीव वैज्ञानिक नाम जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, दिया जा सकता है। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। बहुत से वर्ग पद होते हैं जिन्हें प्राय वर्ग के संवर्ग या टेक्सा कहते हैं। ये सभी वर्ग वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। तो वर्ग की पदानुक्रम भी हमने देखा है, सात हायरार्कियल स्टेजेस हमने यहाँ पर देखी है स्टूडेंट्स। वर्ग की विधों ने जीव की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण को सुगम बनाने के लिए विभिन्न वर्ग की साधन सामग्री विकसित किया, जो अभी हमने इस पार्ट थर्ड में पढ़ी है। ये अध्ययन वास्तविक नमूनों पर किए जाते हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में से एकत्र किया जाता है। इन हर्बेरियम, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क में संदर्भ के लिए प्रेक्षित किया जाता है। हर्बेरियम तथा म्यूजियम में नमूनों के एकत्रित करने तथा प्रेक्षित करने के लिए विशिष्ट तकनीक की आवश्यकता होती है। वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर में पौधों और प्राणियों के जीवित नमूने होते हैं। तो आप डिफरेंस भी याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि हर्बेरियम, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पर तो जीवित सामग्री और कहाँ पर मृत सामग्री को परीक्षित किया गया है। वर्ग की विधों ने वर्ग के अध्ययन तथा सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए मैनुअल तथा मोनोग्राफ को तैयार किया है, और लक्षणों के आधार पर वर्ग की कुंजी जीवों को पहचानने में सहायक सिद्ध हुई है। लक्षणों के आधार पर टैक्सोनॉमिकल की भी बनाई गई है, जो कि जीवों को पहचानने में एक बहुत ही अच्छा साधन सिद्ध हुई है। तो ये सारांश हो जाएगा स्टूडेंट्स इस चैप्टर का। थैंक्स बच्चों, जीव जगत चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में हम टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है उनके आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।